वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हूं उपासना तनेजा एंड दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ रेसिड्यू। हम रेसिड्यू पढ़ रहे हैं। रेसिड्यू से पहले हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टेलर्स लॉरेंट सीरीज उसमें करा हमने, सिंगुलैरिटीज डिटेल में करा। अब जो हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं और किस पे करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारा बताया था। अब हमने ये देखना है कि पोल पे, पोल सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। तो पोल जब मैंने आपको बताया था तो ये बताया था कि पोल दो टाइप का होता है, या तो वो सिंपल पोल होगा मतलब पोल ऑफ ऑर्डर वन, या फिर वो क्या होगा, पोल बड़े ऑर्डर का या एम ऑर्डर का पोल बोल देते हैं, वन से ज्यादा ऑर्डर का पोल, टू ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का या एम ऑर्डर का पोल। ठीक है, अब देखो पोल क्या होता है। ये आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। यहाँ पे आप ए ले लो या जेड नॉट ले लो, एक ही बात है ना, तो आप वो लेके चल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ए क्या है, ए वो पॉइंट है जिसके ऊपर सिंगुलैरिटी है, जिसके ऊपर पोल है। ठीक है, अब अगर बात आती है इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, ये होता है प्रिंसिपल पार्ट। तो मैंने आपको जब पोल बताया था तो पोल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, इफ प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या होता है, तो वो पोल होता है। ठीक है, तो क्या मिलता है, देन यू गेट अ पोल, देन वी गेट अ पोल, है ना, यही होता है ना। प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना हो तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी तो रेसिड्यू जीरो होगा, है ना, क्योंकि रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू होता है बी वन, बी वन मतलब जेड माइनस ए की पावर माइनस वन का कोफिशिएंट रेसिड्यू होता है। ठीक है, अब ये हो गया प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल पोल क्या होता है, जब प्रिंसिपल पार्ट में वन टर्म होती है वो होता है पोल ऑफ ऑर्डर वन। तो देखो जैसे प्रिंसिपल पार्ट क्या बन जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एन इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पोल ऑफ ऑर्डर वन या फिर और सिंपल पोल रेसिड्यू एट, हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं पोल ऑफ ऑर्डर वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस, यहाँ पे तो ए की टर्म बचेगी तो क्या हो जाएगा, बी वन अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा ना ये। तो अब आपको निकालनी है बी वन की वैल्यू, बी वन की वैल्यू निकालनी है तो इससे क्या करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इस टर्म को जीरो बनाने के लिए लिमिट ले लो, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन। दिस इज रेसिड्यू एट सिंपल पोल या फिर रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर वन, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अब आपके पास आता है, ये तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल पोल हो तो b1 क्या होता है, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a f z, यही होता है व्हेन z इक्वल टू a इज अ सिंपल पोल। ठीक है, अब सिंपल पोल का ही मैं आपको एक केस और बता रही हूं कि इफ, ये ले लो सेकंड केस, इफ अगर आपका फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में हो, फाइव जेड अपॉन साइ जेड, इफ एफ जेड दिस हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, ऑर्डर वन। ठीक है, सिंपल पोल। देखो इस क्वेश्चन को भी ना, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इससे, इस मेथड से भी कर पाऊंगी, देखना वो भी हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स में। बट अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर आपका इस टाइप का है, ठीक है द सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर वन, है द पोल ऑफ ऑर्डर वन एट जेड इक्वल टू ए, वेयर साई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, जेड माइनस ए और दूसरा फंक्शन लिख दिया। ठीक है, वेयर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो को कौन बनाएगा, जीरो जीरो ये वाला पार्ट बना देगा, बाकी वाला पार्ट जीरो नहीं बनाएगा। तो
ऐसे केस में देन देन बी वन होता है फाई ए अपॉन साई डैश ए। बहुत सिंपल है, फाई ऑफ ए मतलब फाई ऑफ ए होता है आप फाई के ऊपर जो भी फाई जेड आपका फंक्शन होगा, कुछ भी हो जेड स्क्वायर हो कुछ भी हो साइन जेड हो, उसमें आप ए डाल दो जेड की जगह पे और जो साई जेड होगा उसको डिफ्रेंशिएट करो उसकी जगह पे ए डाल दो जेड की जगह पे। तो ये आपका निकलता है बी वन इस केस में। और वैसे बी वन इस केस में सिंपल पोल है तो ये सिंपल पोल के दो चीजें आपको पता चल गई। अभी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ करने की नीड नहीं है वैसे, क्योंकि आपसे बस रेसिड्यू में क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगुलैरिटी हो या रेसिड्यू क्वेश्चन पे फोकस करो ज्यादा, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। वो क्या करता है कि फाई जेड को और साइज जेड को ना दोनों को अबाउट जेड इक्वल टू ए टेलर सीरीज से कर देता है, ठीक है। टेलर सीरीज दोनों को एक्सपेंड करता है और क्या लिमिट लगाता है, लिमिट लगाने पे आपको जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है। तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको इस टाइप की फॉर्म आंसर मिल जाती है। बट आपको इसका प्रूफ नहीं करना है डायरेक्ट, बस दोनों फॉर्मूले ये लर्न कर लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे, किसके, सिंपल पोल्स के। सो अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड। आपको पता है अगर सिंपल पोल हो तो या तो ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं अगर न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन है ना। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये आपका है एफ जेड इज इक्वल टू दिस, तो पोल निकालना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, है ना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पोल का, पोल के ऊपर पूरा लेक्चर, पोल सिंगुलैरिटी के ऊपर वो हम कर चुके हैं डिस्कस। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी, वहां पे हमने बहुत डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है दिस, ये मिल गया, इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो अगर पावर वन, हमें पता है कि जेड इक्वल टू जीरो क्योंकि जेड माइनस ए होता है ना, और जेड इक्वल टू टू आर सिंपल पोल्स, या फिर लिख देंगे पोल्स ऑफ ऑर्डर वन, यही है ना, ठीक है। तो ये हो गए पोल्स ऑफ ऑर्डर वन। अब बताओ पोल एट z इक्वल टू जीरो निकालते हैं सबसे पहले रेसिड्यू, ओके निकालिए रेसिड्यू एट z इक्वल टू जीरो क्या होता है बताओ। b1 होता है इज इक्वल टू क्या होता है लिमिट z टेंडिंग टू जीरो क्या होता है z माइनस जीरो, और fz, fz क्या है fz है z प्लस थ्री अपॉन z z माइनस टू, यही है ना, ये कैंसल आउट हो गया। जीरो अप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको थ्री बाय माइनस टू, तो ये आ गया बी वन। सिमिलरली रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू टू निकाल दो, क्या आएगा बी वन इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू टू जेड जेड माइनस ए एफ जेड। एफ जेड क्या है, है ना, अपने आप देखो वो चीज अपने आप कैंसल आउट हो रही है जो सिंगुलैरिटी बना रही है, जो पोल बना रही है अपने आप ये कैंसल आउट हो रही है। लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा फाइव बाय टू। तो ये पोल निकल आया किस तरीके से, इस तरीके से निकल आया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं अब इसको मान लू फाइव जेड, इसको मान लू साई जेड, ठीक है, तो कौन कौन से पोल है जीरो पे, जीरो पे आप फाई ऑफ ए निकाल सकते हो फाई ऑफ जीरो, और यहाँ पे साई डैश, साई डैश क्या हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट कर दो, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड है ना, तो साई डैश जेड क्या हो जाएगा टू जेड माइनस टू हो जाएगा। आप वैल्यू डालो, एक बार जीरो डालोगे एक बार टू डालोगे, अपने आप यही वैल्यूज आएंगी, वेरीफाई करो क्योंकि आप इसमें डालो, है ना, फाई ऑफ जेड निकालो, क्या है फाई ऑफ जेड है जेड प्लस थ्री, और साई जेड क्या है साई जेड है जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, तो साई डैश जेड क्या आ जाएगा टू जेड माइनस टू, है ना। अब एक बार जीरो डाल दो एक बार टू डाल दो और बी वन निकाल लो, वेरीफाई करके बताओ क्या सेम आया, है ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज, ठीक है। इसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल, सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द पोल एंड वैल्यू ऑफ रेसिड्यूज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू
कॉस एक्स जेड। अब बताओ इसको आप रेसिड्यू कैसे निकालोगे, सिंगुलैरिटी कैसे निकालोगे, वन अपॉन साइन जेड लिख दोगे, साइन जेड, ठीक है। नाउ जेड इक्वल टू जीरो, पावर एक ही है, क्या है जेड इक्वल टू जीरो इज अ सिंपल पोल, ठीक है। अगर जेड इक्वल टू जीरो सिंपल पोल है तो बताओ रेसिड्यू क्या होता है सिंपल पोल पे, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो बताओ क्या होगा, बी वन इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो जेड माइनस ए एफ जेड, एफ जेड क्या है वन अपॉन साइन जेड, बताओ क्या आएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो जेड अपॉन साइन जेड, जीरो लिमिट लगाओगे तो क्या फॉर्म बन रही है, जीरो बाय जीरो बन रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं, क्या है एल हॉस्पिटल्स रूल, ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो नीचे भी कर दो, अब लिमिट लगाओ, वन अपॉन कॉस जीरो क्या होता है वन, तो आंसर क्या हो गया, रेसिड्यू आ गया वन। तो बताओ क्या इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से कर सकते हैं, यस, कैसे, इसको मैं रब कर दूं आप, ठीक है, इसको रब करके इसी क्वेश्चन को मैं किससे करती हूँ, बी वन क्या होता है फाइ ए अपॉन साई डैश ए, मतलब कि फाइ ऑफ जीरो अपॉन साई डैश जीरो, फाइ जेड क्या है बताओ, फाइ जेड है वन और साई जेड क्या है, साई जेड है साइन जेड, हमने क्या निकालना है साई डैश जेड क्या हो जाएगा कॉस जेड, दोनों की वैल्यू जीरो पे निकाल लो, फाइ ऑफ जीरो तो वन ही रहेगा, साई डैश ऑफ जीरो क्या हो जाएगा वन, तो आंसर क्या आ गया वन। तो चाहे आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, कुछ क्वेश्चंस में इससे सिंपल होगा, कुछ क्वेश्चंस में इससे सिंपल होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपने देखा पोल ऑफ ऑर्डर वन, अब आ जाओ पोल ऑफ ऑर्डर एम, मतलब कि वन से बड़े ऑर्डर का पोल हो तो आपको कैसे करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दीज टू फॉर्मूलाज, अगर आपके पास पोल मिल रहा है किसका, ऑर्डर एम का, ऑर्डर टू का, ऑर्डर थ्री का, ऑर्डर फोर का, ठीक है, तो उस केस में ना आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, वो क्या रीजन है, जब आप इसको यहाँ पे एम टर्म्स मिलती हैं आपको, जैसे जब प्रिंसिपल जब वो था आपका पोल ऑफ ऑर्डर वन या सिंपल पोल था तो यहाँ पे एक ही टर्म मिल रही थी और उसको हमने हटाया था, जेड माइनस ए को लेके गए थे उस साइड, है ना, तो हो गया था इजीली। अब यहाँ पे आपको ना एम टर्म्स मिलती हैं तो उन एम टर्म्स को खत्म करना है, हमें बी वन की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है। हम प्रूफ की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है वैसे, बट आपका प्रूफ मैटर नहीं करता यहाँ पे, आपको क्वेश्चन मैटर करते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है प्रिंसिपल पार्ट में एम टर्म्स मिलती है, अब वो कह रहा है कि यही होता है ना पोल ऑफ ऑर्डर एम, कि जब आपको इस प्रिंसिपल पार्ट में एम टर्म्स मिले, दो टर्म मिल रही है तो टू पोल ऑफ ऑर्डर टू, थ्री टर्म मिल रही है तो पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, मतलब जेड की जितनी नेगेटिव पावर्स जा रही है उतने ऑर्डर का पोल होता है, ठीक है। अब देखो, अब वो कहते हैं कि अगर आपको क्या मिल रहा है, पोल ऑफ ऑर्डर एम मिल रहा है किसी भी एक पॉइंट पे, जेड इक्वल टू ए पे, तो उस केस में रेसिड्यू क्या होता है, ये होता है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, बहुत ही सिंपल है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगा, वन अपॉन एम, अगर फोर ऑर्डर का पोल है तो थ्री फैक्टोरियल और तीन बार डिफ्रेंशिएशन, चार ऑर्डर का पोल है मतलब फाइव ऑर्डर का पोल है तो फोर बार डिफ्रेंशिएशन, सिक्स ऑर्डर का है तो मतलब एक कम आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जितने भी ऑर्डर का पोल मिल रहा हो एक कम आपको डिफरेंशिएशन करना है और एक ही कम फैक्टोरियल है, और ये देखो ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जेड माइनस ए की पावर एम किया है क्योंकि एफ जेड में भी ना ये टर्म आएगी डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसी ऑर्डर का ही तो पोल है और ये कैंसल आउट हो जाएगी, बाकी भी लिमिट लग जाएगी, है ना, ये लिमिट लग रही है, लिमिट जेड इक्वल जेड टेंडिंग टू ए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने फंक्शन को एफ जेड को इस फॉर्म में लिख दो, जैसे कि मुझे एफ जेड दे तो ऐसे रखा हो कि जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस टू स्क्वायर जेड माइनस थ्री क्यूब ऐसे दे रखा है सपोज करो, अब मुझे पता है कि पोल ऑफ ऑर्डर टू है एट जेड इक्वल टू टू, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है एट जेड इक्वल टू थ्री, है ना, तो ऐसे केस में मैं क्या इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू
मैं लिख दूं इसको क्या, 5z अपॉन z माइनस 2 का स्क्वायर। अब मैंने ये 5z क्या है, 5z है ये, वेयर 5z इज इक्वल टू z क्यूब अपॉन z माइनस 3 की होल क्यूब। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को ना ऐसे लिख दिया कि जिस पे पोल है ना उसको इस तरह लिख दिया, बाकी जो भी आया 5z, ये 5z आया ना, अब इसके ऊपर खेलेंगे, इसको ही m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो ये मेथड बहुत सिंपल बना देता है क्वेश्चन को, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी। तो मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगी जहां पे मैं दोनों आपको लगा के दिखाऊंगी फॉर्मूलास, ठीक है। सो लेट्स कम टू एग्जांपल्स नाउ। सो देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड रेसिड्यू ऑफ दिस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 की होल क्यूब एट इट्स पोल्स। सबसे पहले तो हमें इसके पोल पता होने चाहिए, ठीक है। सो हियर बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। एफ जेड क्या है, एफ जेड है ये, ठीक है। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है ये आपको पता ही है, जेड प्लस आयोटा होता है, जेड माइनस, दोनों की क्यूब अलग अलग कर दी। एनी डाउट? नो, क्योंकि इसको सिर्फ मैंने ब्रेक कर दिया और दोनों की क्यूब लगा दी, ठीक है। सो नाउ दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू आयोटा एंड जेड इक्वल टू माइनस आयोटा आर इट्स पोल्स, या फिर लिख दो जेड इक्वल टू आयोटा इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, बोथ आर लिख दो आर इट्स पोल्स ऑफ ऑर्डर 3, दोनों ही 3 ऑर्डर के पोल है, पर अगर दोनों अलग अलग ऑर्डर के होते तो आप ऐसे लिखते z इक्वल टू दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर दिस, z इक्वल टू दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर दिस, इस टाइप से, ठीक है। अब आपको पता है, आपको नाउ एट z इक्वल टू आयोटा, बात समझ गए, किस पे निकाल रहे हैं हम, पहले z इक्वल टू आयोटा पे। अब a क्या हो गया, a आयोटा हो गया, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस मेथड से निकाल के दिखाऊं, देखो f ऑफ z को हम लिख लेते हैं 5z अपॉन z माइनस आयोटा की पावर 3, वेयर 5z क्या बचा, इसको तो मैंने अलग ले लिया, 5z क्या बचा, 5z बचा 1 अपॉन z प्लस आयोटा की पावर 3, यही बचा ना। अब ये बचा, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव, कौन सा m माइनस 1 डेरिवेटिव 5 का, m माइनस 1 मतलब अगर ऑर्डर 3 का पोल है तो कितने डेरिवेटिव निकालने हैं, 2 डेरिवेटिव। अब पहले 5-z निकालो, क्या आएगा 5-z, ये आएगा, ये क्या है बताओ, ये है z प्लस आयोटा की पावर माइनस 3, तो करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 z प्लस आयोटा की पावर माइनस 4। अब 5-z निकालो, क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 4 z प्लस आयोटा की पावर माइनस 5, ये आ गया आपका। यहाँ हमने क्या निकालना है, इसकी वैल्यू 5-' की वैल्यू किस पे निकालनी है, a पे, a क्या है आपका, a है आपका आयोटा, आयोटा पे वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 4, आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है, 2 आयोटा की पावर माइनस 5, क्या हो जाएगा, दिस a विल बी 12 अपॉन, नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 5 होता है 32, है ना, आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा होता है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो ये आ गया 12 अपॉन 32, या फिर इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 8 आयोटा, ये आ गया, ये 5-' है, ओके। सो अब यहाँ पे रेसिड्यू क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा, क्या है रेसिड्यू, इसकी वैल्यू निकल आई क्या, 3 अपॉन 8 आयोटा, ओके। नीचे क्या आ रहा है, m माइनस 1 फैक्टोरियल, m माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या आ गया, 3 अपॉन 16 आयोटा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो, इसको रब कर दे सारा आप, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ना करके कैसे करती हूँ, दूसरे फॉर्मूला से, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं ये लगाती हूँ, ठीक है, लिमिट, ध्यान से देखो, जेड टेंडिंग टू आयोटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल आयोटा नहीं, 2 फैक्टोरियल, क्यों 2 फैक्टोरियल, क्योंकि m क्या है, m है 3, पोल ऑफ ऑर्डर 3 है ना,
ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव किसका? जेड माइनस आयोटा की पावर 3। एफ जेड क्या है? एफ जेड है ये जेड माइनस आयोटा की पावर 3, जेड प्लस आयोटा की पावर 3। कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? 1/2 इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेम वही होगा ना, देखो माइनस 3 हो गया, माइनस 4 हो गया, जेड प्लस आयोटा की पावर माइनस 5 आ गया। अब लिमिट लगा दोगे तो क्या आंसर? वही आंसर आ जाएगा ना जो भी आया था आपका, 3/16 आयोटा। तो आप समझ गए कैसे हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब ये तो आपने निकाल लिया z इक्वल टू आयोटा पे, सिमिलरली आप माइनस आयोटा पे भी लगा सकते हो। जहां जहां आयोटा है ना वहां वहां माइनस आयोटा कर दो, फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा और आपकी वैल्यू निकल आएगी, जो भी निकल के आएगी लिमिट लगा देना। ठीक है, यहाँ पे माइनस आयोटा निकलेगी, अब लिमिट माइनस माइनस आयोटा। ठीक है, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। अगर आपका क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर m, या तो इससे निकालो या इससे निकालो, प्रैक्टिस आपको दोनों से करनी है। कुछ कुछ केसेस में इससे सिंपल पड़ता है, जैसे यहाँ पे इससे सिंपल पड़ रहा था, कुछ कुछ केसेस में इससे सिंपल पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि रेसिड्यू पोल्स पे कैसे निकालते हैं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मैंने सारी वीडियोस बेसिक से लेके सारा अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल्स, और जहां जहां हम एक्सप्लेन करते हैं वहां वहां वही चीजें होती है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अप्लाई कर पाओ। तो पूरी वीडियो सुनो, क्या क्या मैं बता रही हूँ, कहाँ कहाँ बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे कैसा लगा, और लाइक करो, इफ यू कैन शेयर तो शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।